हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं दाल खिचड़ी। दोस्तों ये पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होती है, साथ ही साथ यदि आप इसे खाते हैं तो आपके पेट को बहुत ज़्यादा आराम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि बहुत सारे दालों से मिलकर बनी होती है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में ये भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। कहीं कोई इसे दाल खिचड़ी कहता है तो कहीं इसे सिर्फ खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और कहीं भारत के कुछ भागों में इसे मसाला खिचड़ी के भी नाम से जाना जाता है। तो बनाने की जो बेसिक रेसिपी है वो मोर और लेस सिमिलर ही रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता है, तभी खिचड़ी का स्वाद भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पिक्चर में खिचड़ी दिखा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे लोगों को खिचड़ी पसंद नहीं आती है, लेकिन इसे यदि अच्छी तरीके से बनाया जाए, बहुत ही प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से कुक किया जाए तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिया है करीब 1.5 मुट्ठी चावल लिया है। आप कोई सा भी चावल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने करीब 2 मुट्ठी मिक्स दाल, 2 मुट्ठी तुअर दाल, 2 मुट्ठी चने की दाल और नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, और इसके अलावा मैंने मूंग की दाल का भी 2 मुट्ठी इस्तेमाल किया है, थोड़े से लहसुन, कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच जीरा, कटी हुई धनिया, कटे हुए टमाटर और प्याज और 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो ये देख लीजिए सारे इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों आप किसी भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा दालें इस्तेमाल करें खिचड़ी उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिया है एक बोल, उसमें मैं जितने भी हमारे राइस और दाल हैं उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक एक करके मैं सारी दालों को मिक्स करूंगी। ये देखिए जितनी भी दालें हैं। दोस्तों आप चाहें तो दालों को भी हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं, ना भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन रोस्ट करेंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जितने भी ग्रेन्स लिए थे उन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप भी कुछ इस तरीके से मिक्स कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जितनी भी हमारी दाल और चावल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हाथ की हेल्प से साफ कर लेंगे। दोस्तों जिन दाल चावल का इस्तेमाल करें उन्हें पहले चुन लें जिससे कि उसमें कोई भी कंकड़ वगैरह ना रह जाए। मैंने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, आप भी इन्हें बनाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा दाल और चावल का जो मिश्रण है उसे हम लोगों ने साफ़ करने के बाद एक कुकर में प्लेस कर दिया है। ये देखिए तो दोस्तों अब इसमें मैं करीब 4 ग्लास पानी मिला रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। यदि आपको गीली खिचड़ी पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, और यदि आपको सूखी खिचड़ी पसंद है तो पानी की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन पानी की क्वांटिटी जो है वो जुडिशियस रखिए, यानी कि ठीक ठाक पानी रखिए जिससे खिचड़ी जल ना जाए। तो कुकर में पानी ऐड करने के बाद अब हमने इसे गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक, जो कि हमें स्वादानुसार ही ऐड करना है। स्वादानुसार नमक ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी हल्दी। दोस्तों हल्दी में होता है बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपकी शरीर को एक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, जो कि आजकल की स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, ये ऑप्शनल है ये, बट अगर आप गरम मसाला ऐड करते हैं तो खिचड़ी का स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। दोस्तों सारी चीज़ों को अच्छे से चला दीजिए। इसके बाद आप कुकर की लिड बंद कर दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि कम से कम 4 से 5 सीटी 6 सीटी आराम से आप लगाइए। तो अब सीटी लगा ली है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं खिचड़ी हो गई है रेडी। दाल और चावल जो है बहुत अच्छी तरीके से पक गया है और एक दूसरे में बिल्कुल मिल गया है। दोस्तों खिचड़ी को सैटरडे के दिन खाने से आपके जितने भी बुरे ग्रह हैं वो शांत होते हैं, आपके जितने भी कष्ट हैं वो कटता है, इसलिए खिचड़ी को सैटरडे के दिन खाना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो हमारी खिचड़ी हो गई है रेडी, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से घोंट लीजिए। ये देखिए गैस मैंने कर दिया है बंद। अब हम फिर से एक पैन में जो है खिचड़ी को फ्राई करने की तैयारी कर रहे हैं।
पैन गरम हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 2 बड़े चम्मच देसी घी। दोस्तों देसी घी जो होती है वो खिचड़ी की एक जान होती है बिल्कुल। और गरम गरम खिचड़ी में आप खूब सारा देसी घी डाल के खाइए, आपको बहुत अच्छा स्वाद आएगा। आप चाहे तो खिचड़ी में जो पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन पी भी ऐड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो जब तेल गरम हो गया है यानी कि हमारा घी गरम हो गया है, अब तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी के इस्तेमाल से स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, कटे हुए लहसुन, इनके हल्का सा भुनने का वेट करेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें चुटकी भर हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों क्रैकल हो रहा है, जीरा वगैरह सारी जो भी सामग्री हमने अच्छे से डाली है उसको अच्छे से चलाते जाइए जिससे कि वो बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। और इसी समय से बहुत अच्छा स्वाद आने लग जाता है, महक बहुत बढ़िया आने लग जाती है। और दोस्तों नए चावल की जो खिचड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है क्योंकि नए चावल में होती है हल्की सी मिठास। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारे जो चॉप्ड अनियंस थे वो, इसे अच्छे से चलाते रहें जिससे कि जो अनियन हमने डाले हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। अनियन हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो टॉप चॉप टमेटोज हैं वो। तो कटे हुए टमाटर हमने ऐड कर लिए, सारी सामग्री जो है उसे अच्छे से भूनते जाइए। उसे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और तकने से जो हमारे मसाले हैं वो बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे, यानी कि टमाटर और प्याज जो है बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी मुलायम हो जाएगा। मैं करी थोड़ी लाल मिर्च क्योंकि खिचड़ी को बहुत अच्छा स्पाइसी तड़का देगी। खिचड़ी खाना जो है वो काफ़ी लहजे से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये कहीं से कोई आपके पेट पे बहुत ही कमजोर डालता है। अब मैं इसे थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों गरम मसाला हमने खिचड़ी बना के भी ऐड किया था, इसके अलावा हम सब्जी भी थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। तो सारे मसाले को अच्छे से रेडी कर लें। मसाला हो गया रेडी, अब इसमें हमने जो खिचड़ी बॉईल करके रखी थी आप इसमें प्लेस कर दीजिए और बहुत अच्छे तरीके से इसे चलाते रहिए। इस तरीके से मिक्स कीजिए कि सारी चीज़ें जो हमने मसाला बनाया है वो खिचड़ी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। रिगार्डिंग अच्छा, ये देखिए जैसा कि आप देख सकते होंगे पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। थोड़ा सा खिचड़ी को मसाले के साथ गैस पे पकाएंगे भी, लेकिन इसके अलावा हमें ऐड करना है बहुत ही खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन देने के साथ साथ इसे बहुत बढ़िया सा स्वाद भी देता है। और दोस्तों खिचड़ी को किसी भी मौसम में वैसे तो खा सकते हैं लेकिन सर्दियों में इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब होता है क्योंकि उस टाइम पे नया चावल अवेलेबल होता है। ये बहुत अच्छे से चला लें, बहुत ही टेस्टी बनती है खिचड़ी। चलिए वीकेंड्स में सैटरडे को खिचड़ी जरूर बना लें, इससे आपके ग्रह भी कटेंगे और ख़ासतौर पे हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं उनको लोड भी कम होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खिचड़ी हो गई है रेडी, तो ये डिलीशियस ही यमी सी खिचड़ी हो गई है रेडी। दोस्तों कोशिश करें कि जो राइस है वो बहुत अच्छी तरीके से पक जाए तभी हमारी खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो खिचड़ी के साथ मैंने बनाया है आलू फ्राई, इसके अलावा मैंने प्रेजेंट किया है पापड़ भी, आप चाहे तो चिप्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खिचड़ी हो गई है रेडी, आप भी बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी खिचड़ी कैसी बनी थी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब